हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस समय वॉशिंग मशीन वाला एपिसोड काफी फनी और इंटरेस्टिंग चल रहा है। लेकिन गाइस, इसके साथ इस एपिसोड में हुई कुछ फनी मिस्टेक्स जिसे शायद आपने नोटिस किया हो, यदि नहीं तो चलिए जानते हैं उन मिस्टेक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बबीता ने जब जीट फ्लाई से वो मशीन परचेस करी, उसके बाद जब वो अपने घर पर उसे लेके आई, तो गाइस मशीन को रखने के लिए सभी लोग अपने बाथरूम या फिर कोई छोटी जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बबीता जी ने पता नहीं इस वॉशिंग मशीन को कहाँ पर रखा है। अगर वो एक बाथरूम है तो गाइस इतना बड़ा बाथरूम किसी का नहीं हो सकता। ये बाथरूम है तो इसमें बाकी फैसिलिटी कहाँ, जैसे कि नल, वॉश बेसन, शावर, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। अगर ये बाथरूम है तो इसमें वही बाथरूम में कोई अपनी किताबें थोड़ा रखता है। देख सकते हैं बबीता के ठीक पीछे कुछ किताबें रखी हुई हैं। सीन से डरने के बाद जब बबीता जेठालाल को कॉल करती है, जब जेठालाल बबीता के घर पर आता है, तो वो बबीता और अय्यर को ये बात कहकर चुप कर देता है कि ये सब आपका भ्रम था। लेकिन गाइस, जब अय्यर ने मशीन देखी थी उस समय ये मशीन दीवार से बिल्कुल चिपकी हुई थी, और जब जेठालाल आया था ये मशीन बिल्कुल आगे आ चुकी थी। जेठालाल के भ्रम वाले किस्से पर अय्यर बोल सकता था कि ये मशीन पहले दीवार से चिपकी थी और बाद में आगे आ गई, लेकिन उस समय अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। गाइस, मूवी हिम्मत वाला के प्रमोशन के लिए जब अजय देवगन तारक मेहता शो में आए थे, उस समय जेठालाल के मन से कुत्ते का डर निकल चुका था। लेकिन इसके बावजूद जब वो वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए बबीता के घर पर जाता है, तो गोकुल धाम के कंपाउंड में जब एक कुत्ते को देखकर काफी डर जाता है। जेठालाल के मन में कुत्ते का डर अपने आप वापस दोबारा कैसे आ गया? मशीन के ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने पर अय्यर मशीन का प्लग निकाल देता है, लेकिन मशीन तब भी वाइब्रेट करती है। लेकिन उसके अगले सीन में आप देखेंगे कि उस वॉशिंग मशीन का प्लग ऑटोमेटिक उस स्विच बोर्ड में लग जाता है। हाउ कैन इट पॉसिबल? इसके अगले सीन में आप देखेंगे कि जो स्विच बोर्ड है उसमें एक रेड कलर का स्टिकर लगा होता है, जो कि अगले ही सीन में अपने आप गायब हो जाता है। इसके अगले सीन में आप देखेंगे अय्यर के पीछे एक स्टूल रखा होता है, जो कि जेठालाल के आने पर वो स्टूल वहाँ से गायब हो जाता है। भाई, ये भूत सिर्फ वॉशिंग मशीन में या फिर पूरे रूम में ही है कि चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ मूव कर रही हैं? सीन में आप देखेंगे अय्यर के ठीक पीछे कुछ कपड़े प्रेस किए हुए अलमारी में रखे हुए, लेकिन उसके अगले सीन में वो कपड़े एक हैंगर पर टंगे होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने इसके अलावा कोई और मिस्टेक्स नोटिस करी है तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो अपडेट करें उसकी जानकारी आपको मिल जाए।